सो फाइनली 3 साल बाद हमारे को देखने को मिलेगा इंडिया का सबसे अच्छा वेब सीरीज, जिसने हिस्ट्री बना दी है इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला वेब सीरीज बनके। सीरीज का नाम है असुर, जिसने क्राइम थ्रिलर के साथ साथ मैथोलॉजिकल को भी अपनाया था। इस सीरीज का पहला सीजन हमारे को देखने को मिला था 2020 में, जिसके बाद बिल्कुल सूखा पड़ गया और हमारे को सिर्फ सुनने को मिल रहा था कि हमारे को सेकंड सीजन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, पर ये नहीं पता चल रहा था कि कब देखने को मिलेगा। पर आप लोगों ने ये जरूर सुन रखा होगा सबर का फल मीठा मिलता है, वैसे हमारे को इसका इंतजार करने का भी फल मीठा मिलने वाला है, जो कि हमारे को मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये सीरीज हमारे को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है जियो सिनेमा पे। ये सीरीज हमारे को देखने को मिलेगी 1 तारीख से, जिसमें कुछ ही दिन बाकी है। हमारे को कुछ दिन से इसके टीजर ट्रेलर और पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, जिसने फिर से एक्साइटेड तो कर दिया है सीरीज को लेके। और इसका ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ये पहला सीजन खत्म हुआ था वही से हमारे को इसका सेकंड सीजन देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे को फिर से बहुत सारे मर्डर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहला सीजन नहीं देखा तो प्लीज जाकर इसका पहला सीजन जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है, जिसे आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले हो। अगर देख रखा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आप लोग इसके सेकंड सीजन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। पर फिर भी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, आप लोग इसके पहले सीजन को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिले इसका सेकंड सीजन। सब बात कर लेते हैं हमारे को क्या क्या देखने को मिला इसके ट्रेलर में और कैसा है इसका ट्रेलर। सो इसका ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फ्रेश स्टार्ट देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। ये सीजन हमारे को वहीं से देखने को मिलेगा जहाँ पे ये खत्म हुआ था। ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है हमारे को कुछ बहुत ही बड़ा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हमारे को बहुत बड़े बड़े धमाके देखने को मिलेंगे और हमारे को पुराने चेहरों के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे ये हमारे को बहुत सारे लोकेशन पे भी लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे फिर से लोगों की जान खतरे में होने वाली है। और इस बार हमारे को लड़ाई हाथों से या फिर बंदूकों से देखने को मिलने वाली नहीं है, इस बार हमारे को लड़ाई देखने को मिलेगी डिजिटल, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग मोदी जी का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, जहाँ पर मोदी जी का कहना है कि सब चीज डिजिटल होना चाहिए। वैसे कुछ हमारे को देखने को मिलने वाला है इस सीरीज में। इस बार हमारे को डिजिटल धर्म युद्ध देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कारण होगा शुभ। जी हाँ, इस बार फिर से शुभ की तलाश होने वाली है कि वो कौन है और वो ये सब कैसे कर रहा है। जिसे ढूंढने के लिए निखिल और धनंजय को शुभ जैसा सोचना होगा, उन लोगों को भी शुभ जैसा सोचना होगा, जिसके बाद हमारे को देखने को मिल सकता है कि शुभ कौन है। शुभ कोई भी हो सकता है, वो उन लोगों के साथ भी हो सकता है और आम लोगों के बीच में भी हो सकता है, जिसका सिर्फ एक मकसद है कलयुग का असुर बनना। वो लोगों को आपस में लड़वा के सब कुछ खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है, जहाँ पे सिर्फ कलयुग हो और सिर्फ असुरों का राज होगा। शुभ का ये भी कहना है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वो सब कुछ बर्बाद करना चाह रहा है। शुभ की सोच बिल्कुल थानोस जैसे है, जहाँ पे वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है। पर आप लोगों ने ये जरूर सुन रखा होगा, जब जब बुराई का राज होता है कोई भगवान अवतार लेते हैं और बुराई को मारते हैं, वैसे कुछ हमारे को देखने को मिलने वाला है इस सीरीज में। इस ट्रेलर को देख के बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है क्या हमारे को शुभ का पता चलेगा या फिर इस बार फिर से वो लड़का के छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद हमारे को फिर से 2-3 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट सीजन को लेके। सो देखने वाला होगा क्या असुरकांत होगा इस सीजन में कि नहीं। फिर एक क्वेश्चन आता है क्या हमारे को ये सीजन इसके पहले सीजन जैसा देखने को मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि हमने पहले बहुत सारी सीरीज देखी है जिसका पहला सीजन तो अच्छा होता है पर दूसरे सीजन में वो लोग हक देते हैं, जिसके बाद वो सीरीज बिल्कुल ही गायब हो जाती है, हमारे को कुछ भी देखने को नहीं मिलता उस सीरीज के बारे में। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सेक्रेड गेम्स, उसका पहला सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसके सेकंड सीजन से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, पर जैसा लोगों ने सोचा था हमारे को वैसा कुछ देखने को नहीं मिला उसके सेकंड सीजन से, वैसे ही लोगों ने इसके सेकंड सीजन से उम्मीदें लगा के रखी हुई है। ऊपर से ये सीजन हमारे को 3 साल बाद देखने को मिल रहा है और इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है सिनेमा इंडस्ट्री में, जिसके चलते ऑडियंस बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। तो अब देखने वाला होगा ये कुछ अच्छा डिलीवर करती है या फिर नहीं। कुल मिला के बात करें तो ट्रेलर देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है ये लोग एक लेवल हाई लेके गए हैं अपने इस सीजन को, जिसमें डायलॉग्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे सुनने को मिल रहे हैं। सो बस इंतजार है तो 1 तारीख का, जिसमें कुछ ही दिन बाकी हैं। पर इसी के साथ साथ हमारे को एक बुरी खबर भी सुनने को मिल रही है कि हमारे को पूरा सीजन एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। सुनने में ये रहा हमारे को डेली एक एपिसोड देखने को मिलेगा, जैसे हमारे को डेली सब देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त के साथ यूज करना जिसे फिल्म में कीड़ा है। कुछ कहना हो कुछ बताना हो मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।